ये आलिया को क्या हो गया है? मेहुल इतना गुस्से में क्यों है? माइकल पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, माइकल उसे रास्ते से हटा रहा था। वही मेहुल पाकिस्तान से वापस इंडिया के लिए निकल चुका था। आलिया मेहुल के कहने पर बुलबुले साइंटिस्ट के घर ब्लास्टिंग बुलेट लेने गई थी, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। आलिया, तुम जब भी आती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बुलबुलिया साइंटिस्ट, ये बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी से दुश्मनों से लड़ने का उपाय बताओ। इसके लिए मुझे लैब के अंदर जाना होगा। लैब में बहुत सारे बॉटल बम रखे हुए हैं। ठीक है साइंटिस्ट, मैं तुम्हें कवर फायर देती हूँ और तुम जल्दी से अंदर जाओ। बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन के लिए। आलिया छलांग लगाती है और जमीन पे स्लाइड करते हुए हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायरिंग करने लगती है। आलिया बिना कुछ सोचे समझे सारे हेलीकॉप्टर्स पे रैंडम फायर करने लगती है। आलिया की एक बुलेट तीसरे वाले पायलट को लगती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आलिया फिर स्लाइड करते हुए सामने वाले पेड़ के पीछे छुप जाती है। आलिया पेड़ के पीछे से फायरिंग करने का सोचती है, लेकिन उसके आजू बाजू से इतनी बुलेट निकल रही थी कि उसे फायरिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब क्या करूं? दुश्मन बहुत ज्यादा है और मेरी बुलेट्स खत्म होने वाली है। वो उस पेड़ के पीछे छुपी है। कम ऑन, फायर! बॉम्ब ब्लास्ट होने से जस्ट पहले आलिया के नीचे कुछ हलचल होती है। ये क्या है? बुलबुले साइंटिस्ट ने अपनी सिक्योरिटी के लिए घर के आसपास लगे पेड़ के नीचे एक सुरंग बना रखी थी, जिसका रास्ता साइंटिस्ट की लैब के अंदर खुलता है। कहां गई वो? पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दो। उधर आलिया सुरंग के रास्ते बुलबुले साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाती है। अरे आलिया, मेरे पैर छोड़ो और दुश्मन से फाइट करने का सोचो। मेहुल सर को कॉल करती हूँ। आलिया मेहुल को कॉल करके सारी बात बताती है। आलिया, सीसीटीवी कैमरे में देख के बताओ, क्या हेलीकॉप्टर पे जयकाल आर्मी का लोगो है? बुलबुले साइंटिस्ट तुरंत अपने सिस्टम में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देखता है। सर, हेलीकॉप्टर में तो कोई भी लोगो नहीं है। इसका मतलब वो जयकाल के आदमी नहीं है। सर, आप परमिशन तो दे दीजिए, एक एक हेलीकॉप्टर को जोड़ा दूंगी। नहीं आलिया, वो लोग बहुत ज्यादा है, तुम अकेले उनसे फाइट नहीं कर पाओगी, इसलिए सेफ रहने में ही फायदा है। आलिया बात सुनो, जल्दी से जल्दी बुलबुले साइंटिस्ट को लेकर वहां से निकलो। तभी आलिया का फोन डिस्चार्ज हो जाता है। आलिया, आलिया, आलिया! आलिया और बुलबुले साइंटिस्ट की जान खतरे में है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। अरे आलिया, मेरे साथ आओ, मैंने बाहर जाने के लिए एक सीक्रेट डोर बना रखा है। सीक्रेट डोर एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। 4956637 क्वेश्चन मार्क, लॉजिकल आर्मी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दो दो नंबर्स का पेयर है और वो पेयर 7 के मल्टीपल बन रहे हैं। जैसे 49 इज 7 × 7, 56 इज 7 × 8, 63 इज 7 × 9, तो लास्ट हो जाएगा 7 × 10 और वो है 70, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 0। बुलबुले साइंटिस्ट 0 प्रेस करता है और दरवाजा खुल जाता है। ये आलिया पक्का कुछ गड़बड़ करेगी, पिछली बार भी इसके वजह से सूर्या ने मुझे पकड़ लिया था। अरे आलिया, जल्दी करो। तुम जब आती हो आलिया मुझे फंसा देती हो। क्या करें, अब फंसता ही कुछ ऐसा है। Thank you.
जंप साइंटिस्ट जंप। भागो आलिया, क्या कर रही हो? हश, अभी हम सेफ है। मर गए, भागो। आलिया घूमते हुए गुस्से में एक बॉटल बम हेलीकॉप्टर पे फेंक के मारती है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ये लड़की तो काफी स्मार्ट लग रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी एक स्नाइपर लेता है और आलिया को टारगेट करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए साइंटिस्ट झाड़ के पीछे छुपा रहता है और तुरंत डिटेक्टिव सोसाइटी को एक मैसेज कर देता है। हेलीकॉप्टर से 4-5 बंदे नीचे लैंड होते हैं और गन पॉइंट पर आलिया को पकड़ लेते हैं। गोली लगने से आलिया का हाथ पूरा इंजर्ड था और आलिया को बहुत पेन हो रहा था। बॉस, इसके बैग में तो वाटर बॉटल है। गिव मी दैट बॉटल। पहला बंदा आलिया के बैग से बॉटल निकालकर अपने बॉस को देता है। बॉटल बम ब्लास्ट होते ही वो बंदा मर जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। मौका फायदा उठाकर बुलबुला साइंटिस्ट आलिया को उठा ले जाता है और एक ट्री के पीछे छुप जाता है, लेकिन आलिया बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की तो गायब हो गई है, उसे सर्च करो, यही कहीं छुपी होगी। आलिया, आंखें खोलो आलिया। लेकिन आलिया तो बेहोश थी। ऊपर से बुलेट का जहर धीरे धीरे आलिया की बॉडी में फैल रहा था। अगर बहुत जल्दी आलिया की बॉडी से बुलेट नहीं निकाली गई तो आलिया की जान भी जा सकती है। साइंटिस्ट नदी का पानी पीने लगता है। सारे हेलीकॉप्टर्स नदी के पास आ जाते हैं, लेकिन तब तक बुलबुले साइंटिस्ट गायब हो चुका था। लॉजिकल आर्मी, नदी को देख करके आप बता सकते हैं बुलबुले साइंटिस्ट कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। नदी का पानी आगे की तरफ बह रहा है, बाकी चीजें भी आगे बह रही है, लेकिन ये बड़े से पत्ते को देखिए, वो वही जगह पर रुका हुआ है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब बुलबुला साइंटिस्ट उसी पत्ते के नीचे छुपा हुआ है। हेलीकॉप्टर से एक आदमी स्नाइपर गन बाहर लेकर उस लीप को टारगेट करता है, लेकिन तभी मेहुल आलिया और साइंटिस्ट दोनों को बचा लेता है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक छोटे से साइंटिस्ट को नहीं मार पाए। सर, हम लोग बुलबुले साइंटिस्ट को मारने के लिए वहाँ गए, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव मेहुल आ गया। मेहुल मेहुल मेहुल, ये नाम मुझे टेंशन देने लगा है। इस बार मेहुल को अपने हाथों से मारूंगा। तभी माइकल का असिस्टेंट उसके कान में कुछ कहता है। माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हवा में फायर करने लगता है। डोंट वरी सर, आई विल किल मार्को। वो डील मुझे मिलने वाली थी, मैं मार्को को नहीं छोड़ूंगा। एक समय पर मार्को बिग डैडी का बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। एशिया महाद्वीप में स्मगलिंग का पूरा मैनेजमेंट मार्को के हाथ में था, लेकिन जब बिग डैडी जेल चला गया तो मार्को ने बिग डैडी की टीम से अलग होकर अपनी खुद की टीम बना ली और स्मगलिंग करने लगा।
आज इंटरनेशनल स्मगलिंग मार्केट में मार्को बिग डैडी के सन माइकल को फाइट दे रहा है। माइकल ने दुनिया के बड़े बड़े स्मगलरों के साथ बांग्लादेश में एक डील फिक्स करने का प्लान किया था, लेकिन वो डील मार्को को मिल गई है। उधर सिक्योरिटी के चलते स्मगलर आराव को जेल से शिफ्ट करने का प्लान बनाया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड रस्तोगी, ही इज नॉट नॉर्मल क्रिमिनल। बिग डैडी के लोग कभी भी उसे जेल से लेके जा सकते हैं। ओके सर, हम आज रात ही आरव को दुराग्रह में शिफ्ट कर देंगे। एंड रिमेम्बर, किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी नहीं। दिस इज माय ऑर्डर। यस सर। जेलरों कमिश्नर की बातें एक सिपाही सुन लेता है। ये सिपाही आरव भाई का आदमी है, जो उसे पल पल की खबर देता है। आरव भाई, आज रात तुम्हें दुराग्रह शिफ्ट करने का प्लान है। अगर ऐसा हो गया तो बिग डैडी मुझे कैसे सर्च करेंगे? मुझे एक फोन कॉल करना है। रात होने से पहले एक मोबाइल फोन का जुगाड़ करो। आरव भाई, लगता है बिग डैडी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है, इसलिए मुंबई पुलिस डरी हुई है। बिग डैडी बहुत ऊपर की चीज है भाई, लेकिन जेल से निकलते ही सबसे पहले मैं उस आलिया को मारूंगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। मेहुल अपने घर पे वर्कआउट कर रहा था, तभी अचानक मेहुल की मोबाइल पे रिंगटोन बजती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सोनिया का कॉल। हेलो, हाउ आर यू सोनिया? आई एम फाइन मेहुल, आई हैव अ बिग न्यूज। सोनिया मेहुल को बताती है कि बिग डैडी का सन माइकल बांग्लादेश जाने वाला है। वहां पर बिग डैडी का पुराना टीम मेंबर मार्को और दुनिया के बड़े बड़े स्मगलर भी आ रहे हैं। एक क्लब पार्टी में सीक्रेट मीटिंग रखी गई है। थैंक यू सोनिया। मेहुल तुरंत बांग्लादेश के डिटेक्टिव असलम को कॉल करता है। डिटेक्टिव मेहुल, यार आई वॉन्ट टू नो अबाउट मार्को। तब डिटेक्टिव असलम मेहुल को मार्को के बारे में बताता है। मेहुल मार्को और उस क्लब पार्टी में आने वाले सारे स्मगलर की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। असलम, हमें कैसे भी करके मार्को और बिग डैडी के सन माइकल को पकड़ना होगा। आई एम कमिंग टू बांग्लादेश। Got it sir, वेलकम टू माई कंट्री। अगर मैं क्रिमिनल्स नहीं पकड़ सकती तो कम से कम कुकीज तो पकड़ ही सकती हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए, स्नैक्स के लिए स्ट्रेच नहीं। पर मेहुल सर, कुकीज तो सबसे अच्छी दवाई है। वैसे भी आपने मेरे एक बहाने को बर्बाद कर दिया, आपकी मदद मांगने का। हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखना आलिया, हमें इसकी जरूरत है। बांग्लादेश में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है मार्को और ड्रग डीलर्स की, मुझे वहां जाना होगा। मैं भी साथ चलूंगी सर। आलिया, तुम्हारा मिशन यही है अब, कुकीज खाना और आराम करना। लेकिन सर, मैं एक हाथ से भी क्रिमिनल्स पकड़ सकती हूँ। आलिया चुप रहो, आराम करो, मैं निकल रहा हूँ। डॉक्टर संजना, आलिया का ध्यान रखना। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश एक एशियन कंट्री है, इंडिया के बाजू में। इसके नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश का फ्लैग है। और टी प्रोडक्शन में बांग्लादेश टॉप 10 कंट्रीज में आता है। और ये है बांग्लादेश का डिटेक्टिव असलम। असलम का डिटेक्टिव आईक्यू 8500 है। असलम का पजल स्किल्स इंटरमीडिएट है, शूटिंग स्किल्स भी इंटरमीडिएट है, लेकिन शेडो वॉकर स्किल्स उसकी एक्सपर्ट लेवल की है। वो लोगों को ट्रैक करने में ऑसम है और इसलिए वो डिटेक्टिव सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। उधर रात होते ही जेल में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आरव के चेंबर में पहुंच जाते हैं और आरव को हाथ कड़ी लगा देते हैं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो बिग डैडी तुम सबको नहीं छोड़ेगा। स्पेशल पुलिस कमांडो आरव की आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं और उसे स्पेशल पुलिस कार में लेकर निकल जाते हैं। आरव को भी दुराग्रह लेके जाया जा रहा था। रात को करीब 2 बजे थे, कार ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ सर? आगे का रास्ता बंद है, रास्ते पर डेब्रिस पड़ा हुआ है। लगता है कुछ गड़बड़ है भाई।
लगता है किसी ने जानबूझकर रास्ता ब्लॉक किया है। लॉजिकल आर्मी पुलिस ऑफिसर को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने जानबूझकर रास्ता ब्लॉक किया है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, रोड पर जहां पर डेब्रिस पड़ा हुआ है उसके पीछे एक ट्री लगा हुआ है। अगर मलबा पहाड़ी से गिरा होता तो पहले ट्री पे गिरता, लेकिन ट्री तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर रोड को ब्लॉक किया है। बैक बैक आई सेड बैक। तभी अचानक उस पुलिस ऑफिसर को कोई शूट कर देता है। अगली बुलेट कार ड्राइवर को लगती है। और आरव वहां से निकल जाता है। उधर सुबह सुबह मेहुल की फ्लाइट बांग्लादेश में लैंड होती है। मेहुल एयरपोर्ट पहुंचते ही डिटेक्टिव असलम को कॉल करता है। वेयर आर यू असलम? मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। सर मैं भी एयरपोर्ट पर हूं, आप कहीं दिख नहीं रहे। मैं मैगजीन स्टॉल के पास हूँ, तुम कहाँ पर हो? सर मैं कैंटीन के पास हूँ। मेहुल कैंटीन की तरफ देखता है तो वहाँ पर तीन लोग खड़े हुए थे, लेकिन तीनों ही लोग कॉल पर बात कर रहे थे। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन डिटेक्टिव असलम हो सकता है? सोचिए सोचिए। पहले वाले आदमी के पास तो बड़ा सा ट्रैवल बैग है, इसका मतलब आइदर ये फ्लाइट ले रहा है या फ्लाइट से आया होगा। तीसरे वाले के पास भी सामान है और साथ में एक बच्चा भी है, मतलब ये भी असलम नहीं होगा। दूसरा वाला असलम है। हेलो असलम, मेहुल हियर। नाइस टू मीट यू सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। रास्ते में डिटेक्टिव असलम अपने लैपटॉप से मेहुल को माइकल और मार्को की कुछ फोटोज दिखाता है। सर मार्को इज वेरी डेंजरस पर्सन, ही हैज अ गोल्डन हैंड्स। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मार्को का एक हाथ नहीं है और उसने गोल्डन हैंड लगा लिया है। यस सर, एक बार मार्को अमेरिका में एक स्मगलिंग डील करने गया था, लेकिन किसी ने FBI को इन्फॉर्म कर दिया और FBI ने मार्को की टीम पर अटैक कर दिया। काउंटर फायरिंग में मार्को के हाथ पर बुलेट लग गई, लेकिन जैसे तैसे करके बिग डैडी के लोग मार्को को वहां से बचा कर ले आए। इमरजेंसी ऑपरेशन में मार्को का एक हाथ काटना पड़ा, लेकिन बिग डैडी ने सर्जरी करवा के मार्को को गोल्डन हैंड लगवा दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मार्को बिग डैडी का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। अगर मार्को हमारे हाथ लग गया तो बिग डैडी के बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। शहर का खतरनाक स्मगलर कैदी जेल से फरार, दो कांस्टेबल और दो पुलिस हुए शहीद। इसकी तो इसको भी पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, बल्कि पकड़कर अपने घर के बेसमेंट में ही डाल दूंगी। लेकिन तभी अचानक एक बुलेट विंडो से होते हुए सीधे टीवी पे लगती है। लॉजिकल आर्मी, आलिया के ऊपर किसने अटैक किया है? क्या यह हमला आरव ने किया है? और अब मेहुल भी इंडिया से बाहर है, अब आलिया खुद को कैसे बचाएंगी? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।